पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद के शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विजयदशमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुरादाबाद के कांट रोड स्थित CNS एकेडमी में बुराई पर अच्छाई की जीत विजयदशमी पर हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता भी आयोजित कराई गई, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी बच्चे धार्मिक वेशभूषा में आकर समाज में भगवान श्री राम के संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे। विद्यालय प्रशासन का कहना था कि हम अपने विद्यालय में हर त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, सभी को ये संदेश देते हैं कि हम सब भारतवासी एकता के साथ आगे बढ़ें और सभी त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। मुरादाबाद के थाना छजलैट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुचावली कांट रोड स्थित CNS एकेडमी में दशहरा पर्व के मौके पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सीता एवं लक्ष्मण और रावण के पाठ कार्यक्रम किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सिटी चैनल से बात करते हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, सभी को दशहरे पर शुभकामनाएं भी दी। आज CNS एकेडमी में एक छोटे बच्चों के बीच में रंगारंग कार्यक्रम हुआ, जिसमें जैसे दशहरा रामनवमी आने वाले हैं उसके उपलक्ष्य में ही एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन कराया गया था, जिसमें बच्चे राम सीता लक्ष्मण हनुमान और रावण की वेशभूषा में आए थे। और कौन कौन से पार्ट उसमें जो रामायण के पार्ट लिए गए, जैसे स्वयंवर का लिया गया, सीता हरण का लिया गया, वनवास का लिया गया छोटे छोटे, और रावण वध का लिया गया है। कितने बच्चों ने अपने कार्यक्रम लिया? इसमें वही किंडरगार्टन नर्सरी LKG UKG के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इसको लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस यही मैसेज देना चाहते हैं, एक तरीके से हम रावण दहन भी करने वाले हैं अभी, कि बुराई की हमेशा ही हार होती है और सच्चाई की सत्य के रास्ते पर चलने वालों की हमेशा ही जीत होती है। बुराई को एक दिन जाना होता है, ये संदेश आता है। ये कार्यक्रम हर साल कराते हैं? हाँ, एवरी ईयर कराते हैं।